नमस्कार साथियों, मैं धीरेंद्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फोर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर फोर है दी मुगल एम्पायर, यानी हम मुगल एम्पायर के बारे में आज सब कुछ जो है चैप्टर फोर में पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल एम्पायर यानी जो भी मुगल साम्राज्य था उसके बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडल एजेस। मध्यकाल में किसी भी रूलर के लिए, ठीक है, यानी मिडल एज में या मध्यकाल में किसी भी रूलर के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे लार्ज टेरिटरी, ठीक है, यानी कि मध्यकाल में किसी भी रूलर के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे लार्ज टेरिटरी पर जहाँ पीपल और कल्चर्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, वहाँ पर रूल करना या शासन करना बहुत ही कठिन कार्य था। ठीक है, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू दियर प्रेडिसेसर्स द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकॉम्प्लिश व्हाट हैड हिथरटू सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अपने प्रेडिसेसर्स के विपरीत, यानी प्रेडिसेसर्स मतलब होता है दोस्तों पूर्वज, यानी जो मुगल के पूर्वज थे उनको यहाँ पर प्रेडिसेसर्स बोला। ठीक है, यानी अपने अपने पूर्वज के विपरीत मुगलों ने एक एम्पायर बनाया और इसको अकम्प्लिश किया, यानी कि इस कार्य को पूरा किया जो अभी तक एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही पॉसिबल प्रतीत होता था। ठीक है, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड दियर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 16th सेंचुरी के हाफ के बाद से, यहाँ पे है ना, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी के हाफ के बाद से उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड करना शुरू किया, कहाँ से, आगरा और दिल्ली से, और 17th सेंचुरी तक उन्होंने लगभग नियरली इस सब कॉन्टिनेंट के सारे एरिया पे वो कंट्रोल पा लिया। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड दियर रूल लिविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के आइडियाज इम्पोज किए जो कि उनके शासन के या उनके राज्य के पतन हो जाने के बाद भी टिके रहे। आगे बोलता है कि लिविंग ए पॉलिटिकल लीगेसी, एक ऐसी पॉलिटिकल लीगेसी उन्होंने लीव किया या छोड़ा जो कि इस सब कॉन्टिनेंट के आने वाले जो रूलर थे वो भी उसको इग्नोर नहीं कर पाए। ठीक है, टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैमपार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। रैमपार्ट, जैसे रैमपार्ट मतलब होता है किसी के एक संरक्षण में। ठीक है, जैसे रैमपार्ट, अब लाल किले के अंदर कोई है, रैमपार्ट जो इसके किलेबंदी है ना, ये रैमपार्ट है। ठीक है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको किले की दीवार। यानी आज के आगे बोलता है कि जब दी रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर, जो आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो प्राइम मिनिस्टर है अभी, आज जब वो एड्रेस देते हैं नेशन को, जब एड्रेस देते हैं इंडिपेंडेंस डे को, कहाँ से देते हैं, रैमपार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली का जो लाल किला है उसके फोर्ट के अंदर से वो क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं, जो कि क्या था, रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर, जो कि मुगल एम्परर का रेजिडेंस था। आगे आता हु आर द मुगल्स, ये मुगल कौन थे। ठीक है, मुगल थे कौन, दी मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनेज ऑफ रूलर्स। डिसेंडेंट्स मतलब होता है कि वंशज। ठीक है, और ये लीनेजेस का मतलब होता है वंश, दो एक वंश श्रेणी। ठीक है, हम बोल सकते हैं वंशावली। ठीक है, लीनेजेस तो बोलता है कि द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स अप टू ग्रेट लीनेजेस ऑफ रूलर, यानी जो मुगल थे वो मुगल दो महान, जो महान रूलर वंशों के वंशज थे, दो महान शासक वंशों के क्या थे, वंशज थे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान डेट 1227 द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। अपनी माता की तरफ से, फ्रॉम मदर साइड यानी अपनी माता की तरफ से जो मुगल थे वो चंगेज खान, एक मंगोल रूलर था चंगेज खान, उसके क्या थे, वंशज थे। अब चंगेज खान कौन था, चंगेज खान एक मंगोल रूलर था जो कि चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट पर वो राज किया करता था। और चंगेज खान की डेथ कब हुई,
1227 में फ्रॉम दियर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर डेड 1404 द रूलर ऑफ ईरान इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। और अपने पिता की साइड से ये मुगल क्या थे, अपने पिता की साइड से सक्सेसर थे किसके, तैमूर के, जो कि ईरान इराक और मॉडर्न डे टर्की पे राज करता था, उसका वहाँ का रूलर था। तैमूर की डेथ कब हुई थी, 1440 में, ठीक है। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, बोलता है फिर भी जो मुगल थे वो पसंद नहीं करते थे कि उनको मुगल या कोई मंगोल बोला जाए तो, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मास्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी मेमोरीज सैकड़ों व्यक्तियों के मासेकर से संबंधित थी, यानी कि क्योंकि जो चंगेज खान था उससे जुड़ी जो स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार, मैसेकर मतलब नरसंहार, ठीक है, हत्या, ठीक है, से संबंधित थी। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स डियर मंगोल कम्पिटिटर्स, और यही मेमोरीज जो है मुगलों के कम्पिटिटर उज़्बेकों से भी संबंधित थी। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ दियर तिमोरिड एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज दियर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। और दूसरी तरफ दोस्तों जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ठीक है। ऐसा ज़्यादा इसलिए था क्योंकि उनके इस महान जो एंसेस्टर थे या जो इनके पूर्वज थे उन्होंने 1398 में दिल्ली पर दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, या दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड दियर जीनियोलॉजी पिक्चरली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपनी जीनियोलॉजी को यानी जो जीनियोलॉजी थी उनको कैसे सेलिब्रेट किया, पिक्चरली सेलिब्रेट किया, हमको बोल सकते हैं उन्होंने अपनी जो वंशावली का जो प्रदर्शन था उसे चित्र बनाकर किया। ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना एक चित्र बनवाया, ठीक है। बोलता टेक अ लुक एट फिगर टू विच इज समवॉट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ, ठीक है, यानी कि फिगर टू को देखो जो कि कुछ एक फोटोग्राफ से मिलता जुलता है, ये फिगर टू, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने समझा कि जो उन्होंने जो मुगल थे उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन जो चित्र बनाकर किया, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ, किसके साथ, तैमूर के साथ अपना एक फोटो लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग है, अब मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 1702 टू 1712 ऑफ तैमूर हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर्स, तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। तैमूर इज इन द सेंटर एंड ऑन हिज राइट इज हिज सन मीरन शाह द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर अ ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एंड देन अबू सैयद बाबर्स ग्रैंडफादर। यहाँ पे सेंटर में कौन है, तैमूर इज इन द सेंटर, सेंटर में तैमूर है, ठीक है, सेंटर में तैमूर है, उसके राइट साइड में, तैमूर के राइट साइड में कौन है, मीरन शाह, मीरन शाह क्या था, द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था, ठीक है, और देन अबू सैयद बाबर्स ग्रैंडफादर, ठीक है। टू द लेफ्ट तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, उनके लेफ्ट में सुल्तान मोहम्मद मिर्जा हैं, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड उमर शेख बाबर्स फादर, ठीक है, बाबर्स के फादर हैं। द मुगल एम्परर बाबर, फिर मुगल एम्परर बाबर हैं, अकबर एंड शाहजहां आर द थर्ड, ठीक है, वे बाबर हैं, फिर अकबर हैं, फिर शाहजहां थर्ड पे हैं, ठीक है। फिर आता है कि फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन तैमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट इन द सेम ऑर्डर आर हुमायूं जहांगीर एंड औरंगजेब, ठीक है, यानी कि फोर्थ फिफ्थ इंडिविजुअल जो है तैमूर के राइट में और लेफ्ट में वो कौन है, सेम ऑर्डर में हुमायूं जहांगीर और औरंगजेब है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, यानी मुगल सैन्य जो कैंपेन चला था या अभियान चला था उसके बारे में देखते हैं। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। जो फर्स्ट मुगल एम्परर था कौन, बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक था, तो उसने जब थ्रोन सक्सीड किया था
फरगाना का थ्रोन, फरगाना का जब थ्रोन उसने सक्सीड किया था तो तब किया था 1494 ईस्वी में, तब उसकी एज कितनी थी 12 साल का, ठीक है। यानी बाबर जो था, जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर था, जब वो फरगाना की जो थ्रोन थी या फरगाना राज्य का जब उत्तराधिकारी बना था, तो उसकी एज कितनी थी 12 साल थी, ठीक है। फरगाना कहाँ पे है दोस्तों? फरगाना जो उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स। यानी कि 12 साल में जब वो राजगद्दी पर बैठ गया, उसके बाद मंगोलिया की जो दूसरा, मंगोल का जो दूसरा ग्रुप था उज्बेक, कौन? उज्बेक्स, उनके कारण, उनके आक्रमण के कारण जो है उनको फिर अपना, इनको बाबर को अपना जो थ्रोन था उसको, एंसेस्टर थ्रोन था उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। एंसेस्टर थ्रोन को राजगद्दी जो उत्तराधिकार मिला था। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज काबुल इन 1504। कई वर्षों तक घूमने के बाद उन्होंने काबुल को 1504 ईस्वी में जो है सीज कर लिया या कब्जा कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और 1526 में दोस्तों उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को जो है डिफीट कर दिया, हरा दिया। कौन? किसको? इब्राहिम लोदी को, एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। यानी कि इस किसके बारे में पढ़े? बाबर के बारे में। बाबर कौन था? एक फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसको कि थ्रोन, फरगना की थ्रोन जो है उत्तराधिकार में मिला था। कब? 1494 ईस्वी में, जब उसकी एज कितनी थी? मात्र 1200, सॉरी 12 साल, जो कि 18 तक हम नाबालिग माने जाते हैं। यानी 12 साल में, 12 साल की एज में वो थ्रोन पे बैठ गया। उसके बाद एक मंगोलों का दूसरा ग्रुप आया जिनको उज्बेक के नाम से जाना जाता था, उन्होंने हमला किया और इन्होंने अपनी राजगद्दी बाबर को छोड़ के भागना पड़ा। फिर कई साल भटकने के बाद इन्होंने काबुल पे हमला कर दिया या काबुल पे कब्जा कर लिया 1504 ईस्वी में। फिर 1526 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया। दिल्ली के सुल्तान कौन थे तब? इब्राहिम लोदी को हरा दिया पानीपत में, और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। टेबल वन चार सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। जो टेबल वन है, कुछ कैंपेन्स मुगल्स के, कुछ कैंपेन जो है इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये है टेबल वन, ठीक है। मुगल एम्पायर्स मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स, ठीक है। यानी बाबर का इधर दिया है, हुमायूं का दिया है। अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न। आप इसको स्टडी करो, केयरफुली नोटिस करो कि अगर कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न आप नोटिस कर पाते हो तो। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के नोटिस करोगे दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। और यहाँ पे आप गौर करेंगे या नोटिस करेंगे कि अफगान जो है मुगल सत्ता के लिए, मुगल अथॉरिटी के लिए तत्कालिक इमीडिएट जो है डेंजर थे या खतरा थे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स। अहोम्स के बारे में किसमें देखेंगे? चैप्टर 7 में। अब हमको और क्या नोट करना है? जो रिलेशनशिप मुगल और अहोम्स के बीच जो रिलेशनशिप था, दी सिक्स एंड मेवार एंड मारवार, ठीक है। मेवार के सिख के बारे में हम चैप्टर 8 और 10 में पढ़ेंगे, मेवार और मारवार के बारे में चैप्टर 9 में, ठीक है। हाउ वॉज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान, सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के रिलेशनशिप में क्या अंतर था, ठीक है। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब रीन इंड हॉस्टिलिटीज इन द डेक्कन। बोलता है कि क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के एनेक्सेशन के बाद, एनेक्सेशन से डेक्कन में युद्ध का अंत हो गया था, हॉस्टिलिटीज का अंत हो गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर 4 में दिया गया है कि कैनोन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। जो कैनोन्स था यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं कैनोन्स, ठीक है। तो बोलता है कि एक ये कैनोन जो थे एक इम्पॉर्टेंट एडिशन था 16th सेंचुरी युद्ध में, एक इम्पॉर्टेंट एडिशन था। बाबर यूज देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर जो है इफेक्टिवली से कब यूज किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। आगे गन पाउडर टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन द 14th सेंचुरी। जो गन पावर टेक्नोलॉजी थी इंडिया में कब आई, लाई गई युद्ध में यूज करने के लिए? 14th सेंचुरी में, ठीक है। फायर आर्म्स वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड डिक्कन एंड वॉज यूज बाई बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी। जो फायर आर्म्स था वो कब, कहाँ, पहले कहाँ पे यूज किया गया? कुछ रीजन में जैसे गुजरात, मालवा और डिक्कन में, ठीक है। और बाबर के द्वारा इसे अर्ली 16th सेंचुरी में यूज किया गया, ठीक है। तो देखता हूँ दोस्तों, देखते हैं हम टेबल वन। मुगल एम्परर, तो मेजर कैंपेन एंड इवेंट, जो मुगल एम्परर द्वारा मेजर कैंपेन और इवेंट हुए थे। बाबर 1526 से 1530 तक राज किया था,
ठीक है, 1526 यानी डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को, उनके और कुछ सहयोगी जो सपोर्टर थे, अफगान सपोर्टर थे, उनको पानीपत के बैटल में हरा दिया। फिर 1527 में आते हैं, 1527 में बाबर ने क्या किया, डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर्स एंड अलीज एट खानवा। तो 1527 में क्या हुआ, खानवा में राणा सांगा जो कि एक राजपूत रूलर्स थे और उनके अलीज जो थे उनको हरा दिया किसने, बाबर ने। फिर 1528 यानी 1528 में इन्होंने क्या किया, डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, इन्होंने राजपूत को एट चंदेरी में क्या किया, परास्त कर दिया। इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और उन्होंने अपनी डेथ से पहले या मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। अब आते हैं हुमायूं के बारे में, देखते हैं हुमायूं कब से कब राज किया, पहले 1530 से 1540 तक 10 साल राज किया, फिर 1555 से 1556। तो आता है हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, बोलता है कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जो है जायदाद का बंटवारा किया था। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, उनके मतलब प्रत्येक भाई को एक एक प्रोविंस मिला था। The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. हुमायूं का जो भाई था मिर्जा कामरान, उसकी ambitions के कारण जो हुमायूं जो है अपने अफगान जो कंपटीटर थे उनके सामने जो है कि कमजोर पड़ गया, फीका पड़ गया। शेर खान था defeated हुमायूं at Chausa 1539 and Kannauj 1540, forcing him to flee to Iran. अब देखो शेर खान जो था उसने हुमायूं को परास्त कर दिया, कहाँ पे, चौसा के युद्ध में जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, और कन्नौज के युद्ध में जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस वजह से हुमायूं को भागना पड़ा कहाँ, ईरान, ठीक है। ये जितने भी डेट्स हैं, जितने भी ये दिए गए हैं इवेंट्स, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात है इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह, अब ईरान में हुमायूं जब पहुंचा ईरान उसने हेल्प मांगी किससे, सफावी शाह से, तो सफावी शाह ने उसको हेल्प दिया, क्या, ही री कैप्चर दिल्ली इन 1555 यानी 1540 में भाग गया ईरान। फिर ईरान पे पूरा रिक्वेस्ट करने के बाद यानी मदद मांगने के बाद सफावी शाह जो है राजी हो गए, अंत में इसको इन्होंने मदद दिया, जिसकी वजह से हुमायूं फिर से री कैप्चर कर लिया दिल्ली को कम 1555 में। बट जस्ट नेक्स्ट ईयर इसकी डेथ हो गई, ठीक है, एक बिल्डिंग में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हुमायूं की डेथ हो गई, ठीक है। अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में, अकबर कब से कब राज किया था, शासन किया 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर वाज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर, देखो अकबर जब एम्परर बना था यानी जब अकबर जब सम्राट बना था उसकी एज मात्र 13 साल थी, ठीक है। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड टू 3 पीरियड्स, उसके रेन को 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, पहला एक तो 1556 से 1570 तक, दूसरा 1570 से 1585 तक, थर्ड वन इज 1585 से 1605। अब देखते हैं 1556 से जो 1570 तक था उसमें क्या हुआ, अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन बैराम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। 1556 से 1570 ईस्वी के बीच जो अकबर था वो अपने रीजेंट बैराम खान, रीजन मतलब जो संरक्षक था इनका, ठीक है, यानी राज प्रतिनिधि या राज संरक्षक जो था उस बैराम खान से, यानी बैराम खान 1556 से 1570 के बीच में अकबर बैराम खान अपने राज प्रतिनिधि बैराम खान और अपने डोमेस्टिक स्टाफ के मेंबर से इंडिपेंडेंट हो गया या फ्री हो गया। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड दी उज़्बेक्स। यहाँ पे हाफ ब्रदर का मतलब है दोस्तों कि सौतेला भाई, ठीक है। तो मिर्जा हकीम जो था वो अकबर का सौतेला भाई था, तो इसी बीच 1556-1570 के बीच में इन्होंने सूरेज के खिलाफ अगेंस्ट में, अफगान के अगेंस्ट में और यानी कुछ और अफगान के अगेंस्ट में और कुछ जो नेबरिंग किंगडम्स थी जैसे मालवा गोंडवाना के अगेंस्ट में सैनिक अभियान चलाए यानी मिलिट्री कैंपेन चलाए। और मिलिट्री कैंपेन और किस वजह से चलाए, ताकि जो हाफ इनका जो हाफ ब्रदर है सौतेला भाई मिर्जा हकीम जो रिवॉल्ट है उसका जो रिवॉल्ट है उसको सप्रेस किया जा सके और दबाया जा सके। और उज़्बेक्स के खिलाफ इन्होंने क्या चलाया, मिलिट्री कैंपेन चलाया,
ठीक है। और इन 1568 दी सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड, और 1568 में क्या हुआ, चित्तौड़ की जो सिसोदिया कैपिटल थी वो सीज्ड हो गई, इन्होंने सीज कर लिया। एंड इन 1569 रणथंभौर, ठीक है, यानी 1568 में सिसोदिया की कैपिटल जो चित्तौड़, और 1569 में रणथंभौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब आता है जो सेकेंड पीरियड 1572-1585, मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाई कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। यानी कि 1570 और 1585 में पहले तो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स गुजरात में चलाए, उसके बाद गुजरात के बाद इन्होंने ईस्ट में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया, मिलिट्री कैंपेन चलाया, सैनिक अभियान चलाया। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579-1580 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम, ठीक है। यानी जो इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए थे 1569-1580 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए, जो मिर्जा हकीम के सपोर्ट में जो रिवॉल्ट हुआ था, उस विद्रोह ने भी रिवॉल्ट ने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है। अब आता है थर्ड पीरियड जो कि 1585-1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर। 1585-1705 के मध्य जो है अकबर का एम्पायर जो था, साम्राज्य था, उसका एक्सपेंशन हुआ, उसका विस्तार हुआ। कैंपेन्स वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन लॉन्च किए गए, कैंपेन किए गए। खंडहर वाज सीड फ्रॉम द सफावीज, कश्मीर वाज एनेक्स्ड एज आल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम। इन्होंने खंडहर को सीज कर लिया सफावीज से। खंडहर किसके अंडर में आता था, सफाविद के अंडर में। कौन सफाविद कौन था जिसने इनको सरल इनको हेल्प किया था, किसको, हुमायूं को आई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ना सफेद, हाँ बाबर को, बाबर इम्परर को इन्होंने सफाविद ने किया था ना इनको हेल्प, सॉरी हुमायूं था, हुमायूं को किसने हेल्प किया था, सफाविद ने, जिससे कि इन्होंने 1555 में फिर से एनेक्स किया था दिल्ली को, ठीक है। तो आगे आता है क्या बोलता है कि खंडहर को सीज कर लिया अकबर ने, तब किससे, सफावी से, और कश्मीर को भी, कश्मीर पे भी इन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, कश्मीर पे भी कब्जा कर लिया। मिर्जा हकीम की डेथ के बाद इन्होंने काबुल को भी हथिया लिया। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड विरार, खंडेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। अब उसके बाद जो है डेक्कन में भी कैंपेन किए गए, उसके बाद बिरार, खंडेश एंड कुछ अहमदनगर का जो पार्ट था, हिस्सा था, इसको उन्होंने कब्जा कर लिया। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। यानी अकबर के लास्ट ईयर्स में, या हम बोल सकते हैं अब जो अकबर थे उनके शासन के अंतिम वर्ष में, अकबर की सत्ता प्रिंस सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई, ठीक है। यहाँ से क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, यानी लड़खड़ा गई, और यही सलीम आगे चलकर क्या कहलाए, एम्परर जहांगीर। अब आते हैं जहांगीर के बारे में, जहांगीर कब से कब, उनका शासनकाल कब से कब था, 1605-1627 तक, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, यानी जो जहांगीर थे उन्होंने अकबर के मिलिट्री कैंपेन को आगे बढ़ाया, या कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू रखा। दिस सिसोदिया रूलर ऑफ मेवार अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, जो सिसोदिया रूलर थे कहाँ के, मेवाड़ के, उन्होंने मुगल का सर्विस जो है या सेवा जो है एक्सेप्ट किया। ले सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिक्स दी अहोम्स, अहमदनगर फॉलोड। और इसके बाद क्या हुआ, सिखों, सिक्स के खिलाफ अहोम्स और अहमदनगर के खिलाफ जो है कैंपेन चलाए गए, जो कि पूर्णतः क्या हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए। प्रिंस खुर्राम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, यानी जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में प्रिंस खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उन्होंने क्या किया, रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। द एफर्ट ऑफ नूर जहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, यानी जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां ने शाहजहां के हाशिए पर धकेलने के प्रयास के जो कि असफल रहे, यानी कि जो उनकी वाइफ थी नूरजहां, किसकी वाइफ, जहांगीर की, ठीक है। जहांगीर की वाइफ जो नूरजहां थी, उन्होंने उनका एक, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, क्या अटेम्प्ट किया कि अपनी पत्नी ने शाहजहां को हसीये पर धकेल कर, उन्होंने सोचा हसीये पर धकेल दें, बट वो प्रयास भी उनका असफल रहा, ठीक है। अब आता है शाहजहां कब से कब, उनका रीन कब से कब था, 1627-1658 तक, ठीक है। तो मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां,
तो शाहजहां के अंडर में भी जो मुगल कैंपेन था वो कंटिन्यू रहा डेक्कन के अंदर। द अफगान अफगान नावल खान जहां लोदी रिबेल एंड वॉर डिफीटेड, यानी जो अफगान का नावल था या अभिजात वर्ग का था, जो नावल था अफगान का, उसका नाम था अफगान खान जहां लोदी, उसने रिबेल किया या विद्रोह किया, और उसके विद्रोह के बाद भी वो क्या किया, क्या हुआ, डिफीट हो गया, हार गया, परास्त हो गया, इससे शाहजहां से। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, अहमदनगर के अगेंस्ट में कैंपेन्स लॉन्च हुए, कैंपेन स्टार्ट हुए। द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ऑर्का सीज, तो बुंदेल जो थे वो परास्त किए गए और ऑर्का जो है सीज हो गया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन्स टू सीज बल्क फ्रॉम उज्बेक्स वॉज अनसक्सेसफुल एंड खंडहर वॉज लॉस्ट टू द सफाविज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ कि कहाँ पे कैंपेन, पहले अहमदनगर के अगेंस्ट में कैंपेन स्टार्ट हुआ जहाँ पे बुंदेल को हरा दिया गया और ओरका जो था सीज हो गया। और नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने कैंपेन किया, किसने, शाहजहां ने इसको बाल को जो है उज्बेक से बाल्क जो था उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है, बट वो असफल रहा, वो अनसक्सेसफुल रहा, और परिणाम स्वरूप बाद में क्या हुआ, जो खंडहर था वो भी इन्होंने हार गए, वो भी कौन हार गया, शाहजहां हार गया, ठीक है, और फिर कौन जीता, सफाविद, जो सफाविद था उसी के हाथ में फिर चला गया। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली अनेक्स्ड, और फाइनली 1632 में अहमदनगर जो है अनेक्स कर दिया, कब्जा हो गया। द बीजापुर फोर्स सूड फॉर पीस, और बीजापुर की जो सेनाएं थी उन्होंने सुलह के लिए जो है कि निवेदन किया या शांति के लिए। इन 1657 टू 1658 देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन्स। 1657 से 1658 में शाहजहां के सन्स के बीच या पुत्रों के बीच सक्सेशन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज थ्री ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा सुको वर किल्ड। जो औरंगजेब था वो जीता अपने तीनों भाइयों में, वही उसको जीत हासिल हुई, बाकी जो उसके तीनों ब्रदर थे कौन कौन, दारा सुको ये सारे जो है मार दिए गए। ठीक है, यानी कि 1657 से 1658 के बीच में इम्पोर्टेंट डेट है, किस कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, शाहजहां के भाइयों में, ठीक है, शाहजहां के पुत्रों में लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, किसको लेके, उत्तराधिकार की, अब शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन होगा, और उस लड़ाई में औरंगजेब जो है, औरंगजेब की विजय होती है और दारा सुको समेत उसके तीनों भाई जो है मार दिए जाते हैं। शाहजहां वाज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अब शाहजहां यानी अपने पिता को ही औरंगजेब ने लाइफ इम्प्रिजन दे दिया, कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, अब आते हैं यानी शाहजहां का एक बार हम फिर से देख लेते हैं, शाहजहां में क्या क्या हुआ, जो कि इन्होंने मुगल कैंपेन जो था डेक्कन में उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, जो अफगान नावल था खान जहां लोदी उसने रिवेल किया, उसने विद्रोह किया, वो हारा गया, परास्त हो गया। ठीक है, और अहमदनगर के अगेंस्ट में कैंपेन लॉन्च हुआ। ठीक, जो बुंदेल्स थे, बुंदेलाज, वो डिफीट किए गए, हरा दिए गए, और ओरछा पे इनको ओरछा शाहजहां ने सीज कर लिया। और नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने कैंपेन किया, किसको सीज करने के लिए, बाल्क को सीज करने के लिए, बाल्क नाम की सिटी थी उसको सीज करने के लिए उज्बेकों से, बट ये अनसक्सेसफुल रहे, असफल रहे, और परिणाम स्वरूप एक खंडहर भी हार गए जो कि इनके ऑलरेडी इनके अंडर में था, और सफाविद जो है जीत लिए खंडहर को। 1632 में अहमदनगर फाइनली इन्होंने अनेक्स कर लिया, जीत लिया, और बीजापुर की सेनाएं ने सुलह के लिए पेशकश दी या रिक्वेस्ट किया। और बाकी हमने देखा कि 1657 से 1658 के बीच में शाहजहां के पुत्रों में लड़ाई हो गई, किसके लिए, सक्सेशन के लिए। ठीक है, यानी कि शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसमें औरंगजेब विजयी होती है, यानी कि औरंगजेब की विजय होती है, और दारा सुको कुल समेत उनके तीनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है, और शाहजहां अपने पिता को जो है रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आगरा में इम्प्रिजन कर देता है, बंदी बना लेता है। और फिर आता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663। नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम्स थे 1663 में वो परास्त किए गए, बट रिबेल अगेन इन द 1680, बट 1680 में फिर से उन्होंने विद्रोह कर लिया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेन द यूसुफजाई एंड द सिक्स वर टेम्पोरेली सक्सेसफुल। ठीक है, जब नॉर्थ वेस्ट में जो कैंपेन चला था, कैंपेन हुआ था किसके अगेंस्ट में,
यूसुफ जाई और सिख के गए, वो टेम्पोरेली सक्सेसफुल रहा था, यानी एक छोटे से टाइम के लिए वो सक्सेसफुल रहा था, अस्थायी था। ठीक है, मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिवेलियन। और उसके बाद क्या हुआ, जो मारवाड़ के राठौर राजपूत थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ रिवेल कर दिया या विद्रोह कर दिया। इसके पीछे का रीजन क्या था, इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत, यानी कि उनकी आंतरिक राजनीति पॉलिटिक्स या राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का इंटरवेंशन या हस्तक्षेप। ठीक है, कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। जो कैंपेन था शिवाजी मराठा चीफन शिवाजी के खिलाफ वो पहले सक्सेसफुल रहा, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। बट जो औरंगजेब था उसने शिवाजी को का इंसल्ट किया, जो शिवाजी क्यों इंसल्ट किया, क्योंकि वो आगरा से एस्केप करके भाग गए थे या भाग लिए थे वहां से। ठीक है, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स। और फिर क्या किया शिवाजी ने, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर जो है घोषित करके उसके बाद जो है मुगलों के विरुद्ध जो है कि कैंपेन स्टार्ट कर दिए। प्रिंस अकबर रिबेल अगेंस्ट औरंगजेब, जो प्रिंस अकबर था उसने औरंगजेब के खिलाफ जो है रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास, और मराठास से सपोर्ट मिला उसको, एंड द डेक्कन सुल्तनत, और डेक्कन सल्तनत से भी उसको सपोर्ट मिला। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान, फाइनली कहाँ पे भाग गया, सफाविद ईरान। अब आता है आफ्टर अकबर रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तनत। आफ्टर अकबर से रिबेल औरंगजेब, जब अकबर ने रिबेल किया, विद्रोह किया, तो औरंगजेब ने आर्मीज भेजी किसके खिलाफ, डिक्कल सल्तनत के अगेंस्ट में आर्मीज भेजी। बीजापुर वाज अनेक्ड इन 1685, बीजापुर जो है 1685 में अनेक्स्ट हो गया, यानी कैप्चर कर लिया इन्होंने, एंड गोलकोंडा इन 1787, और 1687 में गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास, हु स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर। और बाद में क्या हुआ, 1698 ईस्वी से जो औरंगजेब था उसने जो कैंपेन हुए थे डेक्कन में मराठास के खिलाफ, उसका जो है पर्सनली मैनेज किया। क्यों, क्योंकि जो शिवाजी थे और जो इनके मतलब जो इनके हेल्पर थे, जो इनके सपोर्टर थे, जो मराठास थे, उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दिया था। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब क्या होता है, तो एक मतलब कि मार के भाग जाना, छिप जाना। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं गुरिल्ला वारफेयर इज अ फॉर्म ऑफ इरेगुलर वारफेयर इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कॉम्बेटेंट्स, यानी जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ जो लड़ाके होते हैं वो क्या टेक्निक यूज करते हैं, हिट एंड रन टेक्निक, मार के भाग जाना या छिप के वार करना, तो इसको हम गुरिल्ला वारफेयर बोलेंगे, यानी ठीक है, यानी माइंड से ज्यादा चलना। तो औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिवेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख जाट एंड सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द होम्स एंड इन द डेक्कन ऑफ द मराठास। अब औरंगजेब को रिबेल मतलब कि विद्रोह का सामना करना पड़ा, कहाँ का, नॉर्थ इंडिया में सिख से, जाट से और सतनामीज से, और नॉर्थ ईस्ट में किसे, अहोम से, और डेक्कन में किसे, मराठा से। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। अब उसकी जो मृत्यु के पश्चात जो उसकी उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया, किसके बीच में, उसके बेटों के बीच में। ठीक है, अब आता है जैसे यहाँ पे देख लेते हैं मैप ऑन में दिया कि मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब, जो अकबर और औरंगजेब के शासन काल में जो मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे। ठीक है, अब आता है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो ट्रेडिशन था सक्सेशन के लिए मुगल, वो क्या था मुगलों में, यानी उत्तराधिकार की जो है मुगल ट्रेडिशंस या मुगल परंपराएं। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर, जो मुगल्स थे वो प्राइमोजेनिचर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, यानी मुगल जो था प्राइमोजेनिचर में, जैसे कि अगर कोई एक है, मान लो कोई एक किंग है, ठीक है, किंग की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकार जो है कि बड़े बेटों को मिले, तो मुगल जो थे मतलब अगर उस किंग के, मान लो किंग ए है, इसकी डेथ हुई, इसके दो बेटे हैं सी और डी, डी जो है बड़ा है, सी जो है बड़ा है और डी जो है छोटा है, तो पहले क्या होता था कि बड़े बेटे को जो है उत्तराधिकारी बोला जाता था, बट मुगल जो थे इसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मुगल इसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, यानी मुगल जो है प्राइमोजेनिचर के नियम में विश्वास नहीं करते थे, इसमें ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट,
जिसमें बड़ा पुत्र जो है अपने अपने पिताजी का जो उत्तराधिकारी होता था। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल्स एंड तैमुरिड कस्टम ऑफ कोपर्सनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल ऑफ द ऑल द सन्स। ठीक है, यानी कि इसके विपरीत वो क्या करते थे, वो मुगल और तैमुरिड कस्टम कोपर्सनरी इनहेरिटेंस का जो मुगल और तैमुरिड कस्टम था उसको अपनाते थे, जिसमें कि जो प्रॉपर्टी का डिवीजन है सारे सारे पुत्रों के बीच में होता था इक्वली। ठीक है, फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल वन एंड नोट द एविडेंस फॉर रेबिलियन बाय मुगल प्रिंसेस। जो टेबल वन में हाईलाइटेड पैसेज दिए गए हैं उसको देखो, गौर करो। ठीक है, कि जो एविडेंस है मुगल प्रिंसेस के रेबिलियन के, जो एविडेंस है उसको नोट करो। जैसे कि टेबल वन में हमने देखा ना हाईलाइटेड, जैसे यहाँ पे देख लें रिबेल कर दिया, फिर यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ हिसाब ब्रदर मिर्जा हकीम, फिर यहाँ पे हर जगह मतलब कि जो इनके प्रिंस थे वो रिबेल कर जाते थे, यानी विद्रोह कर लेते थे। ठीक है, किसके, मुगल के। कहता विच डू यू थिंक इज अ फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस प्रिमोजिनेचर प्राइमोजिनेचर और कॉर्पोरेशनरी। तो आप कौन सा डिवीजन जो है इनहेरिटेंस का यानी उत्तराधिकार का कौन सा डिवीजन फेवर करते हो, प्राइमोजेनिचर का यानी जो बड़े पुत्र को अधिकार मिलता है या कोपर्सनरी यानी कि सारे पुत्रों को समान प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, जो मुगल थे उनका दूसरे शासकों के साथ संबंध कैसा था। टेक अ लुक एट टेबल वन वंस अगेन, एक बार फिर से एक लुक देखो टेबल वन को। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर अथॉरिटी। तो अगर उसको आप फिर से टेबल वन को देखो, वहाँ पे आपको पता चलेगा जो मुगल थे वो जो मुगल रूलर थे वो कॉन्टिन्यूसली कैंपेन करते थे किसके अगेंस्ट में, जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, रिफ्यूज कर देते थे। ठीक है, बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन द मिलिटरली। जैसे जैसे वो जो मुगल थे वो पावरफुल होते गए, बहुत सारे रूलर्स जो है उनके सामने नतमस्तक हो गया, अपनी इच्छा से ही ज्वाइन कर लिए। जैसे कि एक राजपूत को हमने देखा था वहाँ पे बोला था, जो कि उनकी अथॉरिटी जो एक्सेप्ट कर लिए थे। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो राजपूत हैं इसके बहुत बड़े बहुत अच्छे ही एग्जाम्पल हैं। मैनी ऑफ देम मैरिड दियर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिली, उनमें से बहुत सारों ने अपनी डॉटर्स की अपनी लड़कियों की शादी जो है मुगल फैमिली में कर दी एंड रिसीव्ड हाई पोजिशन, और हाई पोजिशन रिसीव कर लिया मुगल के शासनकाल में। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल, बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया। दिस सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने मुगल की अथॉरिटी को एक लंबे लॉन्ग टाइम तक जो है कि रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से। वंस रिपीटेड हाउ एवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन दियर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट वतन जागीर। यानी जो सिसोदिया राजपूत थे दोस्तों, जब मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वो मुगल्स की अथॉरिटी एक लंबे टाइम तक जो है एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब रिजेक्ट करते रहे। बट एक बार जब वो हार गए उसके बावजूद भी जो मुगल्स थे उनके साथ ऑनरेबली ट्रीट किए, यानी एक सम्मानजनक व्यवहार किए। ठीक है, कि सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें अपना उन्हें उनकी जागीर जो थी वतन, जिसको वतन बोलते थे, जो उनकी लैंड थी वो वतन और वतन जागीर के रूप में वापस कर दी थी। ठीक है, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग दियर अपोनेंट इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड दियर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफटेंस। यानी जो मुगल थे पराजित करने परंतु अपमानित न करने, इनको पराजित तो कर देते बट अपमानित नहीं करने के बीच सावधानी से बनाए गए जो कंट्रोलिंग थी उसकी वजह से मुगल भारत के अनेक रूलर्स और चीफटेंस पर अपना प्रभाव बढ़ा गए। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस एट ऑल द टाइम, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि ये जो बैलेंस है उसको सारी समय जो है समान रखने का। एक बार फिर से आप टेबल वन देखो और नोट द औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। जैसे कि हमने देखा जो मुगल थे प्राय और नॉर्मली क्या करते थे, हरा तो देते थे बट सम्मानजनक व्यवहार करते थे। बट यहाँ पे देखो कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैसे जो इंसल्ट शिवाजी का इंसल्ट किया है, एंड व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब वो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए थे शिवाजी, तो उन्होंने औरंगजेब ने क्या किया, उनको इंसल्ट किया। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट। ठीक है, इस अपमान का परिमाण क्या होगा, परिणाम। अब इसके पहले एक हम देख लेते हैं यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में, मुगल मैरिज विद राजपूत, यानी राजपूतों के साथ मुगल की मैरिज या मुगल की शादियाँ। द मदर ऑफ जहांगीर वाज कछवा प्रिंसेस,
जहांगीर की जो माता थी वो कहाँ की, कछवाहा की प्रिंस थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अंबर, अंबर की जो राजपूत रूलर थे उनकी डॉटर थी अंबर, जिसको कि मॉडर्न डे जयपुर में है, ठीक है, दी अभी का वो जयपुर है, दी मदर ऑफ शाहजहां वाजर राठौर प्रिंस, जो शाहजहां की माता थी वो क्या थी, राठौर की प्रिंस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर, जो कि जोधपुर यानी मारवाड़ के जो राजपूत रूलर थे उनकी बेटी थी।